So students, in our previous video, we have discussed about the kidney, its structure and function. In this video, we talk about nephron. Each kidney is made up of thousands of tiny tubules called nephron. कि जो kidney होती है हमारा, वो kidney बहुत सारी thousand of छोटे-छोटे tubes से मिलकर बनी होती है, tiny tubules हैं. उन tubules का नाम दिया है nephron. Nephron is the structural and functional unit of kidney. तो यानी हम ये कह सकते हैं, we can say that कि the main structural basic unit of kidney की वो है nephron. क्योंकि nephron से मिलकर क्या बनी होती है आपकी पूरी kidney. Blood at high pressure travels into these tubules by blood capillaries. और blood जो होता है हमारी body में वो high pressure से travel करता है इन tubules में से. और ये by blood capillaries. और इन blood capillaries को क्या बोला गया है? Glomerules. Glomerules which are surrounded by cup shaped capsule, जो कि एक cup shaped capsule form में होता है और इस capsule का नाम है Bowman's capsule. ये आपका Bowman's capsule है, cup shaped capsule है और ये पूरा nephron का structure है. तो ऐसे nephron की जो छोटी छोटी tubes होती हैं, इनसे मिलकर हमारी पूरी kidney बनी होती है. Next, removal of urine. Urine is removed from the body by the following process. अब हमारी body से urine कैसे बाहर निकलता है देखते हैं. एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझाया है. द यूरिन फॉर्म्ड इन ईच किडनी एंटर्स ए लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड द यूरेटर. सबसे पहले जो यूरिन जो फॉर्म होगा हर किडनी में से वो किस में एंटर होगा? एक लॉन्ग ट्यूब में. उस लॉन्ग ट्यूब का नाम है यूरेटर, विच कनेक्ट द किडनी विथ यूरिनी ब्लैडर. जो किडनी को किससे कनेक्ट करेगी? यूरिनी ब्लैडर से. नेक्स्ट, देन यूरिन इज स्टोर्ड इन द यूरिनी ब्लैडर. अब ये यूरिन कहाँ स्टोर होगा जाके? यूरिन ब्लैडर के अंदर. अनटिल द प्रेशर ऑफ द एक्सपांडेड ब्लैडर लीड्स टू अर्क टू पास इट आउट थ्रू द यूरेथ्रा. और जैसे ही प्रेशर क्रिएट होता है वहाँ पर, एक्सपेंडेड होता है आपका ब्लैडर, यूरिन ब्लैडर प्रेशर के कारण, तो ये यूरिन कहाँ पर पास हो जाएगा? आपका यूरेथ्रा में. नेक्स्ट, एज द ब्लैडर इज मस्कुलर सो इट अंडर द कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम. हमारा जो यूरिनी ब्लैडर होता है वो हमारे नर्वस सिस्टम से कंट्रोल कर सकते हैं. वी कैन यूजली कंट्रोल द अर्ज ऑफ यूरिनेट. तो हम किस टाइम पर हमको यूरिन फ्लश आउट करना है और कब करना है, ये हमारे ऊपर कंट्रोलेबल है, हमारे नर्वस सिस्टम से कंट्रोलेबल है. थैंक यू.